भारतीय क्रिकेट टीम आज दिवाली के मौके पर देशवासियों को देगी दिवाली गिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का आज नीदरलैंड के साथ मुकाबला है और देशवासियों को उम्मीद है कि आज का मुकाबला जीतकर टीम इंडिया देशवासियों को दिवाली गिफ्ट देगी। दिवाली के उपहार की प्रतीक्षा सभी को है, लेकिन ये जो मुकाबला होगा आज हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ये कर रहे हैं कि भारतीय टीम के लिए और नीदरलैंड की टीम के लिए ये मैच कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भारतीय टीम ने लगातार 8 मैच जीते हैं और आज वो जीत का नहला लगाना चाहेगा और वो चाहेगा कि जब वो सेमीफाइनल में जाए तो उसके पीछे 9 जीतों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसके साथ हो और वो चाहेगा कि जीत के साथ सेमीफाइनल में जाए ताकि सामने वाली टीम पर भी एक दबाव बनाया जा सके। वैसे एक बात और है कि जो आज का मैच है उसमें दोनों टीमें दबाव मुक्त हैं। भारतीय टीम के ऊपर सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई दबाव नहीं है, तो भारतीय टीम जो है अपने बेंच स्ट्रेंथ को आज अवसर दे सकती है कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को विश्राम देकर। तो दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम भी दबाव मुक्त है क्योंकि वो विश्व कप में सेमीफाइनल की रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के पास इस मैच के लिए मोटिवेशन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि भारत के पास मोटिवेशन यह है कि वो जीत के साथ सेमीफाइनल में जाना चाहेगा, तो नीदरलैंड के लिए यही एक बड़ा मोटिवेशन है कि उसे भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा जो एक दूसरा मोटिवेशन नीदरलैंड की टीम के पास है वो ये है कि अगर वो भारतीय टीम के खिलाफ उलट फेर कर लेता है और बड़े अंतर से मैच जीतता है तो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में होने वाली है उसमें उसके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों टीमें जो है तय है कि अपना पूरा जोर लगाने वाली है। भारतीय टीम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि बैटर हो या बॉलर सभी पूरी तरह से लय में है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की तो बात ही निराली है। ये टॉप 5 जो रन गेटर हैं वर्ल्ड कप में उसमें शामिल हैं। इसके अलावा शुभमन गिल एक बड़ी पारी जो है आज खेलना चाहेंगे सेमीफाइनल से पहले ताकि उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ वो सेमीफाइनल में जाएं। सूर्य कुमार यादव के लिए ये मैच बड़ा है, वो भी चाहेंगे कि उनके पास एक बड़ा स्कोर हो ताकि जब वो सेमीफाइनल मैच में जाएं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा हुआ है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी जो ये मुकाबला है ये बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर हम नीदरलैंड टीम की बात करें तो वो भी चाहेगी कि वो कुछ अपने युवा खिलाड़ियों को अवसर दे और मुझे लगता है कि 9 क्रॉस जो है उन्हें आज अवसर दिया जा सकता है। 9 के बारे में आपको बता दूं कि उन्हें जो है नीदरलैंड क्रिकेट में भविष्य का सितारा माना जाता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली है अपने कप्तान एडवर्ड्स के साथ, तो एक उनकी भी जो है संभावना बनती है कि शायद वो प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें नीदरलैंड टीम के बैटर्स की तो सिमरांड एलब्रेंट हैं, वो नीदरलैंड के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। एडवर्ड्स हैं, एकरमैन हैं, तो जो नीदरलैंड की टीम है उसके अंदर ये क्षमता है कि वो उलट फेर कर ले। गेंदबाजी में आप डिलेडे की बात कर लें, वानविक की बात कर लें, मिकरेन की बात कर लें, तो ये सारे गेंदबाज भी उनके पास हैं। आर्यन दत्त ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। तो नीदरलैंड की टीम एक ऐसी टीम है जो उलटफेर करती आ रही है इस विश्व कप में, 2 उलटफेर ऑलरेडी कर चुकी है। और जहां तक भारत के साथ उसके मुकाबले की बात है तो विश्व कप में वो भारतीय टीम से 2 बार भिड़ चुकी है, 2003 में और 2011 में, और दोनों ही बार जो है उसने एक फाइट जो है भारतीय टीम को दी थी। तो उन यादों को याद करके नीदरलैंड की टीम चाहेगी कि आज वो भारत के सामने एक चुनौती पेश करे। दूसरी तरफ भारतीय टीम लगातार विश्व कप में नवी जीत हासिल करना चाहेगा, तो आप उम्मीद रखिए चूंकि ये मुकाबला बेंगलुरु में हो रहा है जहां के पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है, तो आज दिवाली के मौके पर यहां बैटर्स चटाके पटाके करने वाले हैं। भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।